बिजली से चलने वाले कंप्यूटर का नाम क्या था? मार्क फर्स्ट के निर्माता का नाम क्या है? हॉवर्ड एच एकेन। मार्क फर्स्ट नामक कंप्यूटर दरअसल क्या था? ऑटोमेटिक सेकेंड कंट्रोल कैलकुलेटर। प्रारंभिक दिनों में कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर की जगह क्या इस्तेमाल होता था? वैक्यूम ट्यूब। कालांतर में वैक्यूम ट्यूब की जगह किसने ली? ट्रांजिस्टर ने। ट्रांजिस्टर लगे हुए कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? दूसरी पीढ़ी के। इंटीग्रेटेड सर्किट वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? तीसरी पीढ़ी के। कृत्रिम बुद्धि वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? पांचवी पीढ़ी के। कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किस में की जाती है? मेगाहर्ट्ज में। पहली पीढ़ी के पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? एनईएसी। पहले पीढ़ी के कंप्यूटर को किसने बनाया था? जेपी एकर्ट और जेडब्ल्यू मैकली। इन्हें ऐसी कम से कम कितने बड़े कमरे में रखा जाता था? 50x50 फीट। इन्हें की का मुख्य पूर्जा क्या था? वॉल्व। इन्हें ऐसी को चलाने में कितनी बिजली खपत होती थी? 150 किलोवाट प्रति घंटा। इन एसी की गणना की रफ्तार क्या थी? 5000 जोल प्रति सेकेंड। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों का काल क्या है? सन 1959 से 64। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य पुर्जा क्या था? ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का आकार वैक्यूम ट्यूब का 1/1200 हिस्सा था। ट्रांजिस्टर क्या है? सेमीकंडक्टर। ट्रांजिस्टर किस चीज का बना होता था? सिलिकॉन या जर्मेनियम। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों का काल क्या है? सन 1965 से 70। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य पुर्जा क्या था? इंटीग्रेटेड सर्किट। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में पहली बार किसका इस्तेमाल हुआ? कैश मेमोरी। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों का काल क्या है? सन 1971 से 85। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों का मुख्य पुर्जा क्या था? माइक्रोप्रोसेसर। माइक्रोप्रोसेसर है एक ही चिप सैकड़ों आईसी का एक समूह है। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों की एक और विशेषता क्या थी? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नोटबुक, लैपटॉप और पॉम टॉप कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? पांचवी। डिजिटल कंप्यूटर के वर्गों का क्या नाम है?
माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। माइक्रो कंप्यूटर के वर्गीकरण का आधार है कंप्यूटर के कंप्यूटिंग शक्ति। माइक्रो कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी कितनी होती है? 256 KB। माइक्रो कंप्यूटर का पूरा सर्किट एक चिप पर होता है। माइक्रो कंप्यूटर चिप को कंप्यूटर ऑन ए चिप भी कहते हैं। मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में आकार में बड़ा और चाल में तेज होता है। मिनी कंप्यूटर को एक ही समय पर डैश से ज़्यादा उपयोगिता उपयोग कर सकते हैं। एक से ज़्यादा उपभोक्ता उपयोग कर सकते हैं। प्रथम माइक्रोप्रोसेसर कौन सा था? इंटेल 4004। मेन फ्रेम कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर की तुलना में अधिक भंडारण क्षमता और तेज रफ्तार वाले होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग एक ही समय पर कितने उपभोक्ता कर सकते हैं? सैकड़ों उपभोक्ता कर सकते हैं। आजकल इस्तेमाल हो रहे कंप्यूटर किस श्रेणी के हैं? डिजिटल श्रेणी के हैं। संकेतों को इनपुट के रूप में प्रयोग करने वाले कंप्यूटर क्या कहलाते हैं? एनालॉग कंप्यूटर कहलाते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर में इनपुट के रूप में किसका उपयोग होता है? सिग्नल, डिजिट एंड अल्फाबेट तीनों का उपयोग होता है। कंप्यूटर में सिग्नल का अर्थ क्या होता है? विद्युत स्पंदन। इनपुट के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। पर्सनल कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था? 12 अगस्त 1981 को। पहला पर्सनल कंप्यूटर किसने बनाया? आईबीएम ने। आईबीएम किसका संक्षिप्त रूप है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन का। इंटीग्रेटेड सर्किट को क्या कहते हैं? चिप भी कहते हैं। पहला चिप किसने बनाया था? जीएस किल्बी ने पहला चिप बनाया था। पहला चिप कब बनाया गया था? 1958 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।